थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम आपको बताते चले, वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने जो 5 महिलाओं की याचिका पर जजमेंट दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में वो फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है, उस पर जो याचिकाकर्ताओं के चलते उनके हित में वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है उसके चलते बौद्ध समाज के लोगों को मिली बड़ी आसानी। 1991 एक्ट के चलते कहा राजरत्न अंबेडकर ने अपनी जबानी। सुनिए थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं जो विषय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो है ज्ञान व्यापी मस्जिद मंदिर का जो विवाद चल रहा था, उसमें 2 दिन पहले वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट उन्होंने वहां पर दी है। और उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने जो विरोध किया था कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर पूजा करने से रोका जाए, तो वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उसको खारिज करते हुए उन्होंने एक नई जजमेंट वाराणसी कोर्ट ने दी है। तो सबसे पहले मैं वाराणसी कोर्ट का बधाई देना चाहता हूं। हिंदू पक्ष की जो औरतों ने ये पिटीशन डाली थी, मैं हिंदू पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के बौद्धों का एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल किया है। और वो कैसे हल किया है और भारत के बौद्धों को किस तरह से इस वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के जजमेंट का इस्तेमाल अपने फेवर में करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों को एक 5 मिनट में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखिए, इस देश में एक कानून बना हुआ है, उस कानून का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ब्रैकेट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ये एक्ट कहता है, ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि इस देश में अनेक मंदिरों के ऊपर मुस्लिम इन्वेडर्स का कब्जा हुआ, अनेक मुस्लिम मस्जिदों पर हिंदुओं का कब्जा हुआ, तो इस तरह से अनेक जो प्रार्थना स्थल है उसका जो रियल कैरेक्टर है, रियल जो उसकी अस्तित्व थी वो कहीं ना कहीं मिट चुकी थी। और इसलिए जो मस्जिद थे वो मंदिर बन गए थे, जो मंदिर थे वो मस्जिद बन गए थे, इस तरह का विवाद इस देश में चल रहा था। और फिर 1991 में ये एक्ट बना, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में। और इस एक्ट में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 इस देश को जब आजादी प्राप्त हुई, जब ये देश आजाद हुआ, उस दिन जिस वर्शिप प्लेस का, जिस मंदिर का, जिस मस्जिद का जो कैरेक्टर है, जो उसका अस्तित्व है, उस दिन का 15 अगस्त 1947 का वो फ्रीज किया जाएगा। फ्रीज किया जाएगा का मतलब है वही अस्तित्व कायम रहेगा, भले कोई मंदिर हो, पुराना 2500 सालों का कोई मंदिर हो, लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद बन चुका है, अगर वो मस्जिद हो गया है, तो वो मस्जिद ही कहलाएगा। और आने वाले हर एक फ्यूचर गवर्नमेंट्स में या किसी भी तरह से उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। और उसी तरह से 2500 सालों से कोई अगर मस्जिद वो बनी हुई है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को अगर वो मंदिर में बदल चुका है, वो मंदिर हो गया है, तो वो मंदिर ही रहेगा, आने वाली कोई भी गवर्नमेंट इसको कभी चेंज नहीं करेगी, इस तरह का ये एक्ट बनाया गया है। इसमें इस एक्ट में और एक सेक्शन डाला हुआ है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी भी तरह का सूट, किसी भी तरह की प्रोसीडिंग या किसी भी तरह की अपील, इस ये जो कैरेक्टर चल रहा है मंदिर मस्जिद, इसमें बदलाव नहीं होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वाराणसी जिला सत्र न्यायालय का कि उन्होंने ये 1991 में बना हुआ कानून, एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ कानून, एक संसद ने बनाया हुआ कानून, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गैजेट करके नोटिफिकेशन दिया है, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कानून को एक भारत के एक स्टेट के एक छोटे से जिला सत्र न्यायालय ने चैलेंज किया और उसे रद्द किया। मैं वाराणसी जिला सत्र न्यायालय का
दिल से धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो आज ये एक्सेप्ट किया है कि वहां पर भले वो मस्जिद है लेकिन हम वहां पर पूजा करने की अनुमति दे देते हैं, और वहां पर छानबीन आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि पिछले उस समय शायद मैं लंदन में था और लंदन में टीवी में देख रहा था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में छानबीन हो रही है, कैमरा लेकर आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जा रहा है, फवारा है या शिवलिंग है इस पर बहस हो रही है। तो आज जिला सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उसे खारिज करते हुए कहा कि नहीं, 1991 का कानून हम इसे नहीं मानते, हम इसमें छानबीन करने की पूरी आजादी दे रहे हैं। अब बौद्धों को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी मस्जिद में सिर्फ किसी 5 औरतों की आस्था है या उन्हें लगता है कि वो जो फवारा है वो शिवलिंग है, इसलिए जिला सत्र न्यायालय वहां पर छानबीन करने की अनुमति देती है, और वहां पर अगर कल को अगर वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये शिवलिंग है, तो पिछले कई सालों से जो मस्जिद चली आ रही थी उसे मंदिर में तब्दील किया जा सकता है। उसी तरह से जितने भी बौद्ध मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो भारत में हो, भारत के बाहर हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, साउथ में, दक्षिण में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वो मुझे लगता है कि वो तिरुपति बालाजी नहीं, वो बुद्ध है, उन गहनों के पीछे बुद्ध है, और इसलिए आप मुझे लगता है कि उन गहनों को हटाया जाए और वहां की छानबीन की जाए। इसलिए वहां के तिरुपति के कोर्ट में जितने भी साउथ के लोग हैं, अंबेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, एक याचिका तिरुपति कोर्ट में डालनी होगी कि मुझे लगता है कि तिरुपति बालाजी, ये तिरुपति बालाजी नहीं, ये बुद्ध है, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। एक पिटीशन हमें वहां लगानी होगी। मैं जिला सत्र न्यायालय वाराणसी का इसलिए स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने भारत के तमाम बौद्धों के रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि आज जो आपके मंदिर है, आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है, आपका तिरुपति बालाजी है, महाराष्ट्र का पंढरपुर है, अब सारे जगहों पर वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम ये सारे केसेस सारे मंदिरों के ऊपर डालेंगे कि ये आपका हिंदुओं का मंदिर नहीं, ये बुद्ध का स्थान है, बुद्ध का प्लेस ऑफ वर्शिप है, क्योंकि 1991 के कानून ने हमारे हाथ बांध दिए थे कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है वही स्टेटस कबूल किया जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने 1991 का ये कानून साइड बाय कर दिया है, इस कानून को हटा दिया है, और इस वजह से सारे बौद्धों के दरवाजे खुल गए हैं। अब सारे बौद्धों को इस वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के जजमेंट का इस्तेमाल अपने फेवर में करना चाहिए, और मैं हिंदुओं से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं। हमारे एक साथी है राहुल शेंडे जी, उनकी मैंने एक पोस्ट पढ़ी और उन्होंने व्यंग करते हुए एक बात लिखी, लेकिन उसमें तथ्य है कि आज जो हिंदू तिरुपति बालाजी में जा रहा है, आज जो हिंदू पंढरपुर में जा रहा है, आज जो हिंदू जगन्नाथपुरी के मंदिरों में जा रहा है, वो तो सामने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा कर रहा है, उसे लग रहा है ये तो कोई हिंदू देवता है। इसलिए हजारों साल से पूजा अर्चा करने के बाद भी हिंदुओं के जो याचना है, जो कामना है, वो पूरी नहीं हो रही, या हिंदुओं की प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो गलत भगवान के सामने याचना कर रहे हैं। वो असल में तो तथागत है, वो असल में तो बुद्ध है। अब अगर राम को पूज रहे हो और सामने बुद्ध की मूर्ति रखी है, तो आपको राम कैसे प्रसन्न होगा? और इसलिए मैं हिंदुओं के पक्ष में ये बात करना चाह रहा हूं कि आप गलत जगह पर पूजा कर रहे हो, आप गलत जगह पर प्रार्थना कर रहे हो, आप गलत जगह पर भगवान को अर्जी दे रहे हो कि मेरी इस संकट से मुक्ति कराओ। वो कोई भगवान नहीं, वो तो तथागत बुद्ध है, और तथागत बुद्ध कभी आशीर्वाद नहीं देते, कभी किसी को क्या कहते हैं, हमारे मराठी में नवस कहते हैं, वो
उसको कभी प्रसन्न नहीं होते, तथागत बुद्ध कभी किसी को आशीर्वाद देने का काम नहीं करते, और इसलिए आप गलत जगह पर पूजा कर रहे हो। हिंदुओं को यह समझ जाना चाहिए कि ये तो हमारा मंदिर नहीं है, ये तो हमारे भगवान का मंदिर नहीं है, और इसलिए उनको उस जगह पर जाकर पूजा अर्चा बंद करनी चाहिए, और जहां पर आपका असली भगवान है वहां पर जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। और इसलिए ये जो प्रार्थना स्थल आप लोग गलत जगह पर प्रार्थना कर रहे हो, मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हो, यह बंद करना चाहिए। और इसका असली कैरेक्टर 2500 साल पहले, 2000 साल पहले जो इन प्लेसेस का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का असली कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आज हम लोगों को एस्टैब्लिश करना चाहिए। जितने भी मेरे साउथ के साथी हैं, मेरे बाकी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी कमिटीज हैं, उन सबको मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी फैक्ट्स आपको उस मंदिर के बारे में, उसके रियल कैरेक्टर के बारे में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो सारे ऑन रिकॉर्ड दीजिए। वकील देने का काम मैं करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील देने का काम मैं करता हूँ, ड्राफ्ट तैयार करने का काम मैं करता हूँ, पिटीशन तैयार करने का काम मैं करता हूँ। आप लोगों को सिर्फ आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जाकर ये केस वहां पर पुटअप करनी होगी कि ये तिरुपति बालाजी का मंदिर नहीं, ये बुद्ध का विहार है, ये बौद्ध स्थल है। ये याचिका आप लोगों को, सारे बौद्धों को करनी चाहिए। और इसलिए आज मैं वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो जजमेंट दी है, उस जजमेंट का इस्तेमाल बौद्ध अपने पक्ष में करे, ये बताने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। और इसलिए आज ये जो सारी घटनाएं, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको खारिज किया है, हटाया है, एक प्रेसिडेंट ने गैजेट देकर बनाया हुआ एक्ट एक छोटा सा जिला सत्र न्यायालय हटाता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारत के बौद्धों को होगा। आज हमारा बौद्ध गया भी ब्राह्मणों के हाथ में फंसा हुआ है, वहां पर कोई ब्राह्मण जाकर लोगों को आह्वान कर रहा है कि यहाँ पर आकर पितृपक्ष करो, यहाँ पर आकर मोक्ष के लिए पिंडदान करो। तो इस तरह से हमारे जो बौद्ध गया है, हमारे जो प्रार्थना स्थल है, वहां पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं, तो कम से कम उनके कब्जे में हमारे जो प्रार्थना स्थल है, बौद्ध विहार है, उसको छुड़ाने की मुहिम अब हम लोगों को हाथ में लेनी चाहिए। जितने भी एडवोकेट्स, लीगल फर्म के लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों ने अपने अपने जिलों में जहां पर ये मंदिर पड़ते हैं, उन मंदिरों के ऊपर ये याचिका दायर करनी चाहिए। और हम कोई गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे हैं, जो वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने ऑलरेडी जजमेंट दी है, अगर वाराणसी जिला सत्र न्यायालय जजमेंट दे सकता है, तो तिरुपति जिला सत्र न्यायालय भी उसको इस बेसिस पे जजमेंट देनी होगी, और तिरुपति में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वही पंढरपुर जिला सत्र न्यायालय को भी ये जजमेंट देनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वाराणसी ने ये जजमेंट दी है, और वाराणसी की जजमेंट सभी जिला सत्र न्यायालयों के ऊपर बंधन कारक होती है। और इसलिए पंढरपुर हो, तिरुपति हो, वहां पर याचिकाकर्ताओं ने मुझे संपर्क करके सारा ड्राफ्ट, सारा मटेरियल मैं आपको देता हूं। मुझे सिर्फ याचिका करने वाले लोग, अगर आप नहीं कर रहे तो हम वहां पर आकर याचिका करेंगे। और ये जो प्रार्थना स्थल है वो सही में हिंदू प्लेसेस है या बुद्धिस्ट प्लेसेस है, ये साबित करने की आज हमको एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी संधि, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें गवाना नहीं है, और इसलिए मैं आज हिंदू पक्ष का स्वागत करना चाहता हूं, और खास करके उन 5 महिलाओं का स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी थी, और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें वो अनुमति दे दी है। और इसलिए हमें इस घटना का बौद्धों के पक्ष में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो सुनने के बाद एक एक जिले से मुझे वो अर्जी देने के लिए याचिकाकर्ता सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।